भोपाल एमपी से कॉल कर रहे हैं। नीलेश जी स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। सर मेरे पास रेल विकास के 100 शेयर हैं, 265 रुपए की मेरी बाइंग है, तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो कहाँ तक अपन इसमें बने रह सकते हैं, इस बात की जानकारी थी। और एनएचपीसी के भी 70 शेयर हैं 87 रुपए के भाव पे लिए हुए। ओके ठीक है जी, दोनों पे बात कर लेते हैं। आरवीएनएल पहले बात कर लेते हैं, 100 शेयर हैं आपके पास और 117 रुपए का प्रॉफिट है हर शेयर पे आपको, तो बढ़िया प्रॉफिट है यहाँ पर। आशीष जी आरवीएनएल इन्हें और होल्ड करना चाहिए, ये और प्रॉफिट देगा या थोड़ा मुनाफा वसूली भी करें? जी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी इसमें कंटिन्यूसली हायर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं, जरूर होल्ड करना चाहिए। और हमें लगता है कि इसमें आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स और बजट तक एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, तो होल्ड करें। रेलवे स्टॉक्स में ऐसे भी मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, सिर्फ 360 का एक एसएल पूरे पोजिशन में मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है वो 400 और 430 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आरवीएनएल को होल्ड करने की सलाह, 360 का स्टॉप लॉस, आगे 470 बोला आशीष जी आपने, 430 तक के टारगेट से शॉर्ट टर्म में दिखा देगा आगे बजट और रिजल्ट और वैसे में रेलवे स्टॉक अच्छा करेंगे। दूसरा था इनका एनएचपीसी, 75 शेयर है इनके पास 87 रुपए 55 पैसे के भाव में, शायद फोन पे उन्होंने 70 शेयर बोला, हो सकता है 5 बेच दिए हो, तो यहां पर भी फायदा ही है। और क्या करना चाहिए एनएचपीसी में? जी ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है स्टॉक में और थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला है हमें 105 का जो जोन है इसका ऑल टाइम हाई का, वहां पर आने के बाद स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखें 98 रुपीज का। इसमें अगर 105 का ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद 120 तक का भी मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है, तो 98 के स्टॉप लॉस से बने रहे इस पोजिशन में। चलिए एनएचपीसी में 98 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं, बने रहें इसके अंदर। अगले